मैं भगवान से एक चीज मांगता हूँ, मेरे को जेल में भेज दो, मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को जेल में भेज दो, क्योंकि मैं अपने युवा राजसभा के भाइयों के साथ मिलना चाहता हूँ, उनसे खाना खाना चाहता हूँ, साथ बैठ के उनकी शक्लें देखना चाहता हूँ। तो चंद्रयान जो है अभी चांद तक पहुंच गया, इन लोगों की चिट्ठियां नहीं पहुंची थी इतने टाइम से, जैसे पहले हुआ था हरि सिंह जी की छुट्टी, कहते हमने दिलाई सरकार ने, वो कहते हमने, इनको लग रहा है कि अगर हमने छोड़ दिया तो ये क्रेडिट तो हमको मिलेगा नहीं, बीच में कोई संघर्ष तो इन लोगों ने किया हुआ है। जो लोग एसी के कमरों में बैठ के बोलते हैं भाई हम लोगों ने लेट चिट्ठियां लिखी ना, चिंता नहीं करनी है, वो बैठा था तो जनता बिठा देगी। अभी युवा राजसभा का जब तक बंदा बाहर नहीं आएगा हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हमको तो डर नहीं लगता लाठियां खाने से, जेल जाने से। रविंदर राणा दिल्ली गए हैं मीटिंग करने, आप उन्हें सीरियसली ना ले, आपने यही कहा ना? हम यही कहते हैं उनको सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, बीच में उनको ऐसा जैसे कॉमेडी लेते हैं ना बीच में लोग, ये कपिल शर्मा जी कॉमेडी करते हैं तो उसके पीछे लोग तात्पर्य नहीं ढूंढना चाहिए, इनकी बात का भी तात्पर्य ढूंढना ही नहीं चाहिए बीच में। रिया करो हमारे शेरों को, रिया करो, रिया करो, रिया करो हमारे शेरों को, रिया करो, हम लोग इनको रिहा करवा के ही रहेंगे, और जेल के ताले टूटेंगे हमारे साथी छूटेंगे, हमारी लड़ाई एडीजीपी मुकेश सिंह ने, आप लोग गारंटी ले लें कि दोबारा वो इस तरह से नहीं। एक मिनट, इनकी लड़ाई किस चीज पे आप मुझे बताइए, आप बताइए, टोल के ऊपर, टोल पे, टोल पे है ना, चलो ठीक है, रिहा कर दिया क्या, उसके बाद क्या, रिहा के बाद क्या, कि घर में आप बैठ जाओ, आप प्रोटेस्ट ना करो, स्टेशन चाहती है वो दोबारा टोल तो पर ना, क्यों ना करें जब इलीगल बनाया गया है वो, तो ये क्या बात होगी कि आप लोग प्रोटेस्ट ना करें। महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास जो है, यहाँ पर आपको बता दें कि जयसिद्ध भल्ला भी है और तमाम जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, डिमांड सिर्फ एक ही है कि ये भी युवा राजपूत सभा को सपोर्ट कर रहे हैं और महाराजा हरि सिंह जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को खूबसूरत दर्जा दिया था यानी रियासत, फिर जम्मू कश्मीर जो है 5 अगस्त 2019 को यूटी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन अब जयसिद्ध भल्ला है आज जयसिद्ध, सबसे पहले ना सवाल यही है कि क्या आप युवा राजपूत सभा को सपोर्ट कर रहे हैं? नमस्ते, हम बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, और माफी से मैं आपकी एक चीज को करेक्ट करना चाहूंगा, आपने कहा कि यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता घरों में हैं और पार्टी के कार्यालय में है, यहाँ पे सारे डोगरा लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सारे जो बैठे हैं सारे डोगरा बैठे हैं, और डोगरा होने के नाते जो ज्यादती हमारे डोगरा भाइयों के साथ युवा राजपूत सभा के साथ की जा रही है, हम उस तानाशाही के खिलाफ यहाँ पे आके खड़े हैं, कोई राजनीतिक प्रोग्राम हमने नहीं रखा, क्योंकि हम राम, ये जो मुद्दा है ये कोई राजनीतिक एक पार्टी का नहीं है विशेष, तो हम इसको राजनीतिक पार्टी में अगर रखते तो हम इस मुद्दे को छोटा कर रहे हैं, तो ये मुद्दा सारे लोगों का, इसलिए हम यहाँ पे जुड़े। लेकिन कल आपने एडीजीपी मुकेश सिंह का स्टेटमेंट सुना होगा, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रीच ऑफ पीस यानी शांति को भंग करने की कोशिश की, उन्होंने पत्थरबाजी की, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं उनके स्टेटमेंट? पहली बात तो जिन्होंने पत्थर फेंका, पहली बात जो वहां पे था उस बंदे को युवा राजपूत सभा के लोगों ने ही बीट किया था कि जिस बंदे ने फेंका, और अगर वीडियो है तो उस पर कोई कार्यालय कोई उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ, मुझे एक बात बताइए बीच में, और ये जो मसला था जो बाकियों का था एपीजी का छोटा सा मसला था, ज्यादा से ज्यादा डेटे लगा देते हैं या फिर फाइन वैसा करते, इन्होंने जान के एक्सट्रीम पे ले गए ताकि लोगों का ध्यान उस साइड डाइवर्ट हो जाए गालियां देने में, और उस घर में स्मार्ट मीटर लगना स्टार्ट हो जाए। 21 से 26 तारीख आज है और 26 तारीख को तमाम जो है आज जम्मू बंद है यानी युवा राजपूत सभा के सपोर्ट में है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा समय हो गया अंदर डिटेन किए हुए? नहीं, जितना ज्यादा समय रखोगे उतने हम लोग उभर के आएंगे बीच में जाके, ये तो उल्टा हमारे आप हमारे को पावरफुल बना रहे हैं, क्योंकि जितना हमारी आवाज को यहाँ पे ये दबाएंगे तो उतना ही हम लोग उभर के आएंगे। अभी हमारा आधे साथियों का प्रोग्राम वहाँ पे बंतलाब की तरफ है, आधे लोगों का प्रोग्राम जो है यहाँ पे सिटी की तरफ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों का जमावड़ा आते जा रहा है आते जा रहा है, और अभी आप थोड़े टाइम में देखना यहाँ पे बहुत अच्छी गैदरिंग हो जाएगी बीच में जाके, हम यही कह सकते हैं हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे और आखिरी सांस तक जीतेंगे। और आपने स्टेटमेंट की उनकी बात की, मेरे को स्टेटमेंट में एक चीज नहीं समझ आई, वो स्टेटमेंट पे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे या वो इस चीज में इसके ऊपर बात कर रहे थे, उनका क्या काम है कि उनको क्या लेना देना स्मार्ट मीटर लगे या ना लगे, वो स्मार्ट मीटर के फायदे ऐसे प्रवक्ता की तरह क्यों गिना रहे थे, मेरे को ये नहीं चीज समझे, क्या करना उनको स्मार्ट मीटर से, इनमें जेके एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का क्या काम है, वो कहने लगे लगाओ बड़े अच्छे हैं बड़ा फायदा है, तो मुझे ये चीज नहीं समझ आई जब, और उन्होंने 20-15% बात इस मुद्दे के ऊपर की, युवा राजपूत सभा का जब तक एक एक बंदा बाहर नहीं आएगा हम तब तक सड़कों पर रहेंगे, बारिश जितनी मर्जी हो लाठियां खाने को तैयार हूँ, और मैं कहता हूँ अगर मैं भगवान से एक चीज मांगता हूँ मेरे को जेल में भेज दो, मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को जेल में भेज दो, क्योंकि मैं अपने युवा राजपूत सभा के भाइयों के साथ मिलना चाहता हूँ, उनसे खाना खाना चाहता हूँ, साथ बैठ के उनकी शक्लें देखना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। मुझे एक और चीज बताइए, आपने देखा कि आज पूरा जम्मू यहाँ पर जो है वो बंद भी है और पूरा जम्मू जो है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि क्यों नहीं सरकार तक ये आवाज पहुंच रही है कि युवा राजपूत के सभा के सदस्य को छोड़ दिया जाए? युवा राजपूत सभा का ये लोगों को क्रेडिट में डर लग गया है, जैसे पहले हुआ था हरि सिंह जी की छुट्टी, कहते हमने दिलाई सरकार ने,
वो कहते हैं हमने इनको लग रहा है कि अगर हमने छोड़ दिया तो ये क्रेडिट तो हमको मिलेगा नहीं, बीच में कोई संघर्ष तो इन लोगों ने किया हुआ है। जो लोग एसी के कमरों में बैठ के बोलते हैं भाई हम लोगों ने लेट चिट्ठियां लिखी, अभी एक बात बताओ चंद्रयान जो है अभी चांद तक पहुंच गया, इन लोगों की चिट्ठियां नहीं पहुंची थी इतने टाइम से, क्या ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। सवाल का मुझे जवाब दीजिए, रविंदर राणा दिल्ली गए हैं मीटिंग से मिलने, और दिल्ली में मैं बता दूं आज आपको 2.5 दिन हो चुके हैं, लेकिन 2.5 दिन में अभी जवाब नहीं आया, सरोल टोल प्लाजा उखड़ेगा या कुछ और होगा। देखें उनकी बात को सीरियस तो पहली बात लेना ही नहीं चाहिए, सही बात है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपने लोगों की बात करने, तो उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना रविंदर। एक बात तो कभी वो जाते हैं कहते हैं कि मेरे को मिल नहीं पाया, मैं वहाँ मिलने नहीं दिया। एक बात तो जो प्लेन की टिकट कैंसिल हुई, अब भाई रास्ते भाई रोड पे नहीं जा सकते थे क्या, इनको बैठने का शौक है हम क्या बोले, कहते हैं ना चिंता नहीं करनी, आओ बैठा था तो जनता बिठा देगी। अभी युवा राजपूत सभा का जब तक बंदा बाहर नहीं आएगा हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हमको तो डर नहीं लगता लाठियां खाने से जेल जाने से। एमपी जुगल किशोर शर्मा का भी आपने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने भी कहा कि टोल प्लाजा जो है वो गलत है। देखिए बोलने से क्या होता है, जब मंत्री आपके आप नितिन गडकरी साहब की इतनी ज्यादा तारीफ करते हो कि वो बंदा विकास पुरुष है, अगर इतनी तारीफ करके भी आप लोग सुधार नहीं ला पा रहे हो तो बाकी मंत्रियों का मैं क्या कहूँ। आप मुझे एक बात बताओ, जिसका आप सबसे ज्यादा विकास का देते हो वहाँ करप्शन है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जम्मू से आप जाओ कठुआ, कितने रोडों में गड्ढे हैं, कितनी करप्शन वहां पे देखने को मिलती है, कितना ट्रैफिक हमारे को वहां देखने को मिलता है, कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट तो नहीं है ना वहां पे। अब मुझे इसके बावजूद बताओ, टोल में एक लिखा होता है कि बाथरूम होना चाहिए, रेस्टरूम होना चाहिए, पार्क होनी चाहिए, सरोवर में कहाँ है, है ही नहीं है। और आप पैसा इतना ले रहे हो, उसके आगे जाओ चढ़वाल का पुल गिरा हुआ है, और जाना हो तो पानी के रास्ते से होके जाना पड़ता है, वो भी 200 रुपये अपना दे के। आप भी गए थे वहाँ दिखा रहे थे उसको ट्रक को कि आप हमारे को आगे कर दो, फिर आगे 400 रुपये बंदे का वेस्ट हो रहा है पर बंदे की कार का, तो ये लोगों को तो फ्री में करना चाहिए क्योंकि सरकार का पुल गिरा है, उनकी गलती का पुल गिरा है, हमारा क्या, हम तो टैक्स पे रहे हैं, हम हर जगह पैसे देते हैं, चाहे वाटर टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, इसके लिए आखिरी वक्त तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। बीच में आपने जनता को ये कहा कि जो रविंदर राणा दिल्ली गए हैं मीटिंग करने, आप उन्हें सीरियसली ना ले, आपने यही कहा ना। हम यही कहते हैं उनको सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, बीच में उनको एज अ जैसे कॉमेडी लेते हैं ना बीच में लोग, ये कपिल शर्मा जी कॉमेडी करते हैं तो उसके पीछे लोग तात्पर्य नहीं ढूंढना चाहिए, इनकी बात का भी तात्पर्य ढूंढना ही नहीं चाहिए बीच में। तात्पर्य केवल युवा राजपूत सभा की बात का देखो, संघर्ष का देखो, हम लोग डोगरा हैं, संघर्ष करेंगे, आखिरी सांस तक संघर्ष लड़ेंगे। और मैं यही बोलना चाहूंगा, सारे नारा लगाना, रिया करो बारे शेरों को, रिया करो रिया करो हमारे शेरों को, रिया करो, हम लोग इनको रिहा करवा के ही रहेंगे, और जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, हमारी लड़ाई। एडीजीपी मुकेश सिंह ने, आप लोग गारंटी ले लें कि दोबारा वो इस तरह से नहीं। एक मिनट, इनकी लड़ाई किस चीज पे आप मुझे बताइए, आप बताइए, टोल के ऊपर, टोल पे, टोल पे है ना, चलो ठीक है, रिहा कर दिया क्या, उसके बाद क्या, रिहा के बाद क्या, कि घर में आप बैठ जाओ, आप प्रोटेस्ट ना करो, स्टेशन चाहती है वो दोबारा टोल पर ना, क्यों ना करें जब इलीगल बनाया गया है वो, तो ये क्या बात होगी कि आप लोग प्रोटेस्ट ना करें। हम यही तो बात कर रहे हैं, माफी क्यों, हम उनकी गारंटी इस बात पे इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि उनका संघर्ष ही इसी चीज का है, उनका इच्छा ही इसी चीज का है टोल को उखाड़ा जाए, हमारा भी इच्छा इसी चीज का है, जब वो बाहर आएंगे वो फिर प्रोटेस्ट करेंगे और हम भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अभी पुलिस का जमावड़ा आप देखो कैसे आगे इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल, मैं चाहूंगी एक बार जो है कैमरा घुमाया जाए, क्योंकि ये महाराजा हरि सिंह के स्टेचू के पास जो है आकर यहाँ पर बैठे हैं, जैसे बल्ला पूरे डोगरा पीसफुल, देखो यहाँ पे नॉर्मल, ज्यादा भी बंदा हमारा नहीं, अच्छा अभी आ रहा है धीरे धीरे, पीसफुल हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, ऐसा अरेंजमेंट, जय जय जय, ऐसा मातरम, ऐसा मातरम, ऐसा अरेंजमेंट यहाँ करवाया गया हुआ है जैसे कि हमारा पता नहीं, हम एंटी नेशनल लोग जैसे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं लोगों से भी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी देशभक्ति 15 अगस्त को ही ना दिखाइए कि आप झंडा ऊंचा ले तो अगले दूसरे दिन पता नहीं कहाँ पे आप वो झंडे को रख दें। देश में जब तक संविधान में जो लिखा गया अम्बेडकर साहब के द्वारा कि आपको प्रोटेस्ट करने का हक है, जब उसको दबाया जाए, उसको कुचला जाए, आपकी आवाज़ को तोड़ा जाए, आपकी गवाही ना कोई लिया जाए, आपको कोई मिलने ना दिया जाए, तब तक देश का तिरंगा उठाइए। हम लोगों ने तो अंग्रेजों का ये तिरंगा दिखा के भगाया था, तो यहाँ तानाशाह लोगों को भी हम इसी झंडे से डराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथियों का भी। पहले मैं इनसे बात करती हूँ, संदीप जी क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा यही आपसे कहने की उम्मीद है कि हमारा यही कहना है कि हमारे जो जो जम्मू के डोगरे, जो हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, हमारे युवा राजपूत सभा, उन्हें कोई गलत डिमांड नहीं की है, उन्हें जम्मू की आवाज़ की है, उन्हें कोई अपने घर की जो नौकरी नहीं मांग रहे, वो जम्मू के लिए हक की बात कर रहे हैं कि जो टोल टैक्स लगाया गया कि कानून के हिसाब से गलत लगाया गया है।
कानून ही कहता है, उनका कानून कहता है यहाँ पे टोल ही बनता है, वो टोल बनता है नगरोटा में, तो वो लगा हुआ है वहाँ पे, लोग हम दे भी रहे हैं, लेकिन ये सरोवर का टोल है ये गैर कानूनी है, इसको क्यों ले रहे हैं, हमारे जम्मू के लोगों को क्यों लूटा जा रहा है, तो उसकी आवाज़ उठा रहे थे कि पीसफुल वो बैठे हैं धरना दे रहे हैं, और वहाँ पे आके ये पुलिस का जमावड़ा भेज के पुलिस वालों से लाठीचार्ज करवाना और उनको मारना तंग करना, ये तो ये प्रशासन ये सब ये लड़ाई करवा रहे हैं। संदीप जी, तो आपने देखा कि तमाम आज कांग्रेस नहीं कहेंगे, यानी जैसे भल्ला ने करेक्ट किया है, बेशक उनके वालिद साहब कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस नहीं कहेंगे, आज तमाम डोगरा जो है वो बाहर आए हैं, युवा राजपूत सभा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए जिंदाबाद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे शेरों को रिहा किया जाए। आप अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो इसी के साथ जम्मू बुलेटिन न्यूज को जो है लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी करें।